मंथली शो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। ये पहला शो है तो एक इंट्रो तो बनता है। हर महीने मुझे नहीं पता कितनी मूवीज और वेब सीरीज में देख लेता हूँ, लेकिन उनका रिव्यू नहीं बनाता। ऑलवेज आते हैं भाई। इस शो के अंदर हम बात करेंगे मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जो मैंने पूरे महीने देखी। सिर्फ बेस्ट के बारे में बात करेंगे, वर्स्ट के बारे में बात भी नहीं करेंगे। यानी तुम्हें मेरे बाकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं अपने ही वीडियोस पे लात मारना। 10-11 मूवीज और वेब सीरीज हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहली मूवी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्लेश ऑफ द टाइटन, जो कि आप में से किसी एक ने सजेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में। ये मूवी ग्रीक माइथोलॉजी को फॉलो करती है। ज्यूस के बेटे प्रीसियस की पूरी कहानी होती है कि वो कैसे क्रेकन्स को मारता है, जो कि ज्यूस के छोटे भाई का बेटा होता है, मतलब कि चाचा का लड़का। इस मूवी की वजह से मुझे पता चला कि ज्यूस का बेटा प्रीसियस ज्यूस के किसी दुश्मन की वाइफ का बेटा है। मतलब ज्यूस का ही बेटा है लेकिन उसकी वाइफ से हुआ है। देखो नो ऑफेंस, जो दिखाया है मैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ज्यूस होता है उसका एक ह्यूमन एनिमी होता है, तो इसको सबक सिखाने के लिए ज्यूस इसका रूप ले लेते हैं और उसकी वाइफ के साथ जाके बच्चा पैदा कर देते हैं, जो कि बड़ा होकर प्रीसियस बनता है। मूवी के अंदर तुम्हें देखना है प्रीसियस क्रेकन को किस तरह से मारता है, क्योंकि क्रेकन को गॉड नहीं मार सकते। मूवी 2010 की होने के बाद भी मूवी के VFX और CGI काफी कमाल के थे, और स्पेशली जो कैरेक्टर डिजाइन किए गए हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे। इन लोगों ने इस मूवी का Part 2 भी बनाया। जितना Part 1 अच्छा है, Part 2 उतना ही बेकार है। पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, तेरे वीडियोस की तरह। दूसरी मूवी के बारे में बात करते हैं। देखो मानो या ना मानो, कोरियन चीजें आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। कुछ दिनों पहले मैं गांव गया हुआ था और मेरे पास टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं था। तभी किसी ने मुझे सजेस्ट की द किंग इंटरनल। टू बी ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखी थी। ये 2020 की वेब सीरीज है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने अभी तक क्यों नहीं देखी। शायद क्योंकि इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं था। वेब सीरीज के अंदर एक बंदा होता है लिंक कौन, जिसका नाम कोई नहीं ले सकता क्योंकि वो वहां का राजा होता है, द किंग। उसके पास एक आधी बांसुरी होती है जिसका इस्तेमाल करके वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है या फिर दूसरी दुनिया में जा सकता है, और साथ ही में टाइम ट्रेवल भी। इसके साथ हुआ था एक विद्रोह जिसे ये पास्ट में जाकर चेंज करना चाहता है। स्टार्टिंग के एपिसोड तो काफी ज्यादा अच्छे थे, जहां पे दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहां के लोगों को जाके बोलता है कि मैं किंग हूं, और कोई भी विश्वास नहीं करता। और मुझे भी एक ऐसा राजा दोस्त चाहिए जो मुझे भी लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दे। तुझे कोई सब्सक्राइब ना करे? देख उसने लाइक किया, भी किया है ना। तीसरी एक वेब सीरीज है जो फिलहाल 2-4 दिन पहले आई थी और मेरे को ऐसा लगता है तुम लोगों ने जरूर देख ली होगी, शाहिद कपूर की फर्जी वेब सीरीज, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर होता है संदीप, जो कि एक आर्टिस्ट होता है। बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाता है लेकिन कोई बिकती नहीं है, तो वो एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जो हर कोई खरीदना चाहता है, और वो पेंटिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है। आर्टिस्ट है तो कुछ भी बना सकता है, हंस क्यों रहा है, पेंटिंग ही तो है। संदीप ने फेक नोट भी इतना ओरिजिनल बनाया कि ओरिजिनल नोट भी ओरिजिनल जितना ओरिजिनल नहीं लग रहा जितना फेक ओरिजिनल लग रहा है। तुम अकेले नहीं, RBI खुद भी कंफ्यूज है कि इतना नोट असली कैसे बन सकता है, मतलब नकली नोट इतना असली कैसे बन सकता है। चौथी वेब सीरीज है लॉकवुड एंड कंपनी। ये मैंने यूं ही टाइम पास में स्टार्ट कर दी थी, ना किसी ने रिकमेंड की थी और ना ही मैंने इसका कोई ट्रेलर देखा था। टाइम पास में कुछ मिला नहीं तो स्टार्ट की, और टू बी ऑनेस्ट वेब सीरीज काफी ज्यादा कमाल की निकली, जो जितना मैंने सोचा था, मेरी एक्स से भी अच्छी। देख रही है तू? डिटेक्टिव फिक्शन वेब सीरीज है जिसके अंदर कुछ 2-3 बंदे मिलकर भूतों को ढूंढने का काम करते हैं और जिनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। और ऑब्वियसली मैं भूतों का नाम ले रहा हूँ तो डोंट वरी, बादल की तरह तुम्हारी, ट्रस्ट में बिल्कुल भी हॉरर मूवी नहीं है। वेब सीरीज के अंदर थोड़े बहुत भूत दिखाए तो जाते हैं लेकिन वो उतने ही हॉरर हैं जितने की मेरी एक्स या तुम्हारी एक्स। तुमने उसे झेल लिया, ये तो नॉर्मल है। वेब सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। लास्ट के अंदर इसमें कुछ ऐसा सस्पेंस दे देते हैं जिसकी वजह से हमें Season 2 भी देखना पड़ेगा, और मैं वेट कर रहा हूँ कि साले Season 2 जल्दी डालो बे। आई पर्सनली रियलाइज कि मैं कभी कभी टाइम पास में कुछ भी देख लेता हूँ। क्या बात कर रहा है, हम भी तेरा चैनल देख लेते हैं। बहुत बुरा था ये। 2011 की देली बेली, जो कि एक कॉमेडी एक्शन है। मूवी के अंदर कॉमेडी तो काफी ज्यादा है लेकिन एक्शन उतना ही है जितना तुम्हारी लाइफ में है। अनसब्सक्राइब कर देगा भाई, कभी कभी मैं ऐसे निकल जाता हूँ। तुम्हें ये फेमस मीम तो याद ही होगा, ये तो टट्टी है। ये लीजेंडरी मीम उसी मूवी से आया हुआ है। मूवी के कंसेप्ट में उतनी ही मेहनत की है जितनी एक वीडियो को लाइक करने पे होती है, मतलब कि कोई मेहनत नहीं लगती, लाइक मारो यार। एक पार्सल दूसरे पार्सल के साथ एक्सचेंज हो जाता है। एक पार्सल में होते हैं डायमंड और दूसरे में होती है टट्टी। जिसके पास टट्टी पहुंचनी थी उसके पास डायमंड चले गए, जिसके पास डायमंड जाने थे उसके पास टट्टी चली गई, और फिर होती है बहुत सारी हेराफेरी। मूवी इज रियली फनी एंड एंटरटेनिंग। अमेरिका का दलाल बहन। आगे बढ़ते हैं। अगली मूवी है पुस इन बॉट्स। भाई पुस ही है, वाई मत लगा। पुस इन बोट्स का मतलब होता है जूतों में बिल्ली, मतलब बिल्ली में जूते।
समझ जाना यार तू। तो मूवी के अंदर एक केट है, मूवी के अंदर जो केट्स होती है उनके पास टोटल 9 लाइफ्स होती है, मतलब कि 8 बार मरे तो नहीं मरे, 9वीं बार मरे तो मर गए, मतलब कि उनके पास 9 लाइफ लाइन्स होती है। इस मूवी के बारे में अगर मैंने थोड़ा बहुत भी बता दिया ना तो डेफिनेटली तुम्हारा पूरा मजा खराब हो जाएगा। ये वीडियो बनाते टाइम जब मैं इस मूवी के बारे में सोच रहा हूँ ना, तब मुझे फील हो रहा है ये मूवी मुझे एक और बार इंजॉय जरूर करनी चाहिए। और मैंने तुम्हें अगर बहुत कुछ बता दिया ना तो मूवी पूरी स्पॉइल हो जाएगी तुम्हारी। एक बार इस मूवी को जरूर देखना, OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में अवेलेबल है। और वो डेथ की जो विसल होती है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी भाई, का खौफ होता है मूवी के अंदर। इसी महीने मैंने एक और मूवी फ्रेंचाइज देखी जिसका नाम था द मेज रनर, जो कि आप ही में से किसी ने मुझे सजेस्ट की थी इस वाली पोस्ट के ऊपर, और मैंने इसके 3 पार्ट देखे। पार्ट 1 तो लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे एक मेज होती है, बेसिकली एक दीवार होती है जिसके अंदर कुछ लोगों को रखा जाता है और उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है। उन सभी को मिलकर उस मेज से निकलना होता है किसी भी तरह से। अब वो कैसे निकलेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे, कौन था जिन्होंने उसके अंदर उनको डाला और उनकी मेमोरी क्यों रिमूव की गई, उसके सभी के आंसर तुम्हें मूवी में देखने को मिलेंगे। लेकिन लिटरली इस मूवी का पार्ट 1 तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मतलब ऐसा लगता है कि पार्ट 1 में इन्होंने सारी मेहनत कर दी। पार्ट 2 बहुत ही बोरिंग और बहुत ही ज्यादा लेंथी फील होता है, ऐसा लगता है क्यों इतना खींच रहे हैं लोग। पार्ट 3 भी बहुत ही ज्यादा लंबा फील होता है। कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं मूवी को देखूँ ना, तीनों मूवीज को देखने के बाद, काफी अच्छी मूवीज है, फ्रेंचाइज में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबी है, काफी ज्यादा इसे डायलॉग्स बातें करते हैं नॉर्मल बंदे, उसमें बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील होता है। ऐसा समझ सकते हो 8-9 घंटे की वेब सीरीज है, जो तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। कुछ दिनों पहले मैं शहजादा भी देख के आया, और काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि शहजादा देखनी चाहिए या फिर अल्लू अर्जुन की मूवी देखनी चाहिए। तो देखो मेरा सिंपल सा पिक है कि दोनों ही मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, बट मैं अल्लू अर्जुन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को अल्लू अर्जुन कैरेक्टर है जो, या फिर एक्टर है वो मुझे पसंद है। अगर तुम लोग कार्तिक आर्यन के फैन हो तो डेफिनेटली तुम शहजादा देख सकते हो, वो भी काफी अच्छी मूवी है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की फाइनल मूवी के बारे में, फास्ट एंड फ्यूरियस। मेरे को ऐसा लगता है काफी ज्यादा लोगों को ये लगता है कि उन लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस के 9 के 9 पार्ट्स देख लिए हैं, बट जब मैंने स्टार्ट की वापस देखना फास्ट एंड फ्यूरियस 1, 2, 3, 4, आई पर्सनली रियलाइज कि मैंने सभी पार्ट्स नहीं देखे थे स्टार्टिंग के, काफी सारे पार्ट्स थे, 2-3 पार्ट्स जो कि मैंने मिस कर दिए थे, और उसकी वजह से काफी थोड़ी मिसकंसेप्शन हुए थे। जब मैंने पूरे 9 के 9 पार्ट्स वापस देखे, देन आई रियलाइज कि हाँ, इसमें काफी सारी चीजें मेरे को अब समझ में आ रही है जो मुझे पहले समझ में नहीं आती थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस 1 से देखना थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है, और वो उतनी अच्छी मूवीज नहीं है 2023 के अकॉर्डिंग। अगर तुम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस के डाई हार्ड फैन नहीं हो ना, तो तुम्हें ये फ्रेंचाइज F5 से स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर तुम डाई हार्ड फैन हो तो तुम्हें डेफिनेटली F1 से लेके F9 तक के 9 के 9 पार्ट्स देखने चाहिए, जो कि सभी हिंदी में अवेलेबल है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, उनके जब भी पैर छूते हैं तो उनके पास एक रटी हुई लाइन होती है, सदा खुश रहो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, फलाना फलाना। तो यूट्यूबर्स की भी एक लाइन है, तो वो सुन लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वाले शो के साथ या फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।